अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। निक रूम को कन्विंस करती है कि वो अब वापस अपने घर लौट जाए, क्योंकि उनका सन और हस्बैंड उनका वेट कर रहा है। रूम, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी। और फिर रूम नित को रीजन बताती है कि वो वापस जाना क्यों नहीं चाहती। नित, तुम्हें पता है मैं अपने हस्बैंड को बहुत लव करती हूँ, पर पास्ट में उसने मुझे डिसअपॉइंट किया, अपसेट किया, मेरा दिल तोड़ा, इसलिए मैं सारनाथ से दूर हो गई। नित, पर अभी आपके हस्बैंड ठीक नहीं है और हमारी लाइफ ज्यादा लॉन्ग नहीं होती, तो उस टाइम को हम अच्छी मेमोरीज के लिए यूज करते हैं। और मुझे पता है आपके हस्बैंड अब चेंज हो गए हैं, वो आपको वापस चाहते हैं, आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर देती। रूम, मैं फिर से डिसअपॉइंट होना नहीं चाहती, इसलिए मैं वापस घर भी जाना नहीं चाहती। नित, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलो। रूम, क्या तुम सच कह रही हो। नित, हाँ, जब तक आप सारनाथ सर के साथ कंफर्टेबल ना हो, आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। रूम नित के साथ उसके घर जाने को तैयार हो जाती है। सारनाथ ये बात पावी को बताता है। पावी कहता है, डैड, मॉम का उस नित के साथ रहना सही नहीं रहेगा, वो नित मॉम से इन्फॉर्मेशन लेगी। सारनाथ, पावी, रूम नित के साथ रहना चाहती है, ये हॉस्पिटल में रहने से अच्छा है। और तुम यही सोच रहे हो ना कि पेरुत अपने घर में रूम को रहने नहीं देगा। तुम टेंशन नहीं लो, मैंने पेरुत से बात कर ली है और उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, रूम जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। पावी को मजबूरी में अपने डैड की बात माननी पड़ती है। देन पावी पैन को बताता है कि अब उसकी मॉम नित के साथ उसके घर पर रहेंगी। पैन पूछती है, क्या तुम्हारे डैड को पता है कि वो घर मेरे डैड की मिस्ट्रेस का है। पावी, हाँ। पैन, हो सकता है ये सब नित का प्लान हो तुम्हें मुझसे छीनने का। पहले उसकी बहन ने मेरे डैड को छीन लिया मेरी मॉम से, और अब वो नित तुमसे मुझे छीनने की सोच रही होगी। पावी, एक मिनट, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस नित है। पैन, सच तो ये है कि नित की बहन नी मेरे डैड की मिस्ट्रेस है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। पावी, मुझे लगा ही था वो पागल सी लड़की किसी की मिस्ट्रेस बन ही नहीं सकती। पैन, तभी तो वो अब तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगी। पावी, तुम टेंशन नहीं लो, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ, मुझे उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम पेरुत को देखते हैं। वो नित पर गुस्सा हो रहा होता है कि वो रूम को इस घर में लेकर क्यों आ रही है, क्योंकि जब वो यहाँ आकर उससे नी और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगी तो क्या कहेंगे। नित, कह देना कि नी तुम्हारी वाइफ है। पेरुत, क्या वो समझ नहीं पाएंगी कि ये मेरी मिस्ट्रेस है। इस बात को लेकर नित और पेरुत में झगड़ा हो जाता है। नी नित को रोकती है। नित पेरुत से कहती है, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आंट रूम के साथ कहीं और जाकर रेंट पर रह लूंगी। पेरुत, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुद सारनाथ ने मुझसे बात की और मैंने यहाँ रहने के लिए हाँ कह दी है। अब जो भी प्रॉब्लम हो तुम ही फेस करना। ये कहकर पेरुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे पावी और वासिन रूम को घर लेने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। रूम अपनी हॉस्पिटल की फ्रेंड से मिलती है और फिर नित का वेट करती है। वो पावी से साफ कह देती है कि जब तक नित नहीं आएगी वो नहीं जाएगी। नित का वेट करते करते पावी को गुस्सा आने लगता है, पर मॉम की वजह से रुकना पड़ता है। थोड़ी देर बाद नित वहाँ पहुँच जाती है। रूम उसे वासिन से मिलवाती है और फिर साथ कार से ही चलने को कहती है। नित साथ चलने को तैयार होती है। पावी उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम अपनी स्कूटी लेकर नहीं आई आज। नित, रिपेयर के लिए भेजी है। और वो पावी को चढ़ाते हुए कार में रूम के साथ बैठ जाती है। पावी, अब मैं कहाँ बैठूं। रूम, पीछे। पावी गुस्से में नित के पैर में देकर पीछे बैठ जाता है। देन वो सभी नित के घर पहुँचते हैं। पावी पेरुत को नी का हस्बैंड ही बताता है और नी से मिलवाता है। देन नित रूम को रूम में लेकर जाती है। रूम हॉस्पिटल से बाहर निकलकर बहुत खुश होती है और वो नित को थैंक्स कहती है। देन जब पावी बाहर गार्डन में सारनाथ से बात कर रहा था, तभी वहाँ नित आती है, पर वो पावी को देखकर लौटने लगती है। पावी, तुम्हारा घर काफी अच्छा है, वैसे ये किसके नेम के अंडर है। नित उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है। पावी, मैं तो तुम्हारे लिए वरिड हो रहा था, क्योंकि अगर ये घर अंकल पेरुत के नेम के अंडर हुआ तो पैन से शादी के बाद मेरा हो जाएगा। नित, तुम ज्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसेड़ो। फिर वो चली जाती है। रूम दूर से खड़ी उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। नेक्स्ट डे जब नित घर पर नहीं होती, तब रूम नी से बात करती है और कहती है, मैं हमेशा से ही उस पर्सन से मिलना चाहती थी जो किसी की मिस्ट्रेस हो। मिस्ट्रेस को कैसा फील होता है जब वो उस पर्सन की रियल वाइफ को अपसेट करती है। मैं जानना चाहती हूँ उन वुमेन्स का हार्ट किसका बना होता है जो उन्हें कुछ फील नहीं होता। रियल वाइफ इस सब से बहुत अपसेट होती है और कई बार तो मेरी तरह पागल हो जाती है। नी,
अदर मिस्ट्रेस क्या फील करती है मुझे नहीं पता, पर मैं सैड हूँ दूसरों को सैड करके। मैं मिस्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, पर अब ये हो गया तो मैंने खुद से वादा किया है कि मैं हम्बल रहूंगी। मैं पेरुत की फैमिली के लिए कोई ट्रबल नहीं करूंगी, कुछ भी उनसे नहीं छीनूंगी। रूम, तुम वैसी नहीं हो जैसी मैंने सोचा था। देन पेन सारनाथ से मिलने जाती है और कहती है मैं जाकर पावी की मॉम से बात करती हूँ जिससे वो यहाँ रहने आ जाए। सारनाथ, मुझे पता है तुम्हारी गुड इंटेंशंस हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नित के यहाँ रहने का रूम का डिसीजन है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। पावी पेन को रोकता है कि वो डैड से अभी इस बारे में बात ना करे क्योंकि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। शाम के टाइम वर्क से वापस घर जाते टाइम एडिटर एपिसिट नित को घर छोड़ने की कहते हैं, पर नित मना करती है। एडिटर इंसिस्ट करते हैं तो नित मान जाती है। एडिटर नित को घर छोड़ते हैं। रूम अपने रूम से ये देख रही थी। नी पूछती है, नित क्या तुम्हारे एडिटर की फैमिली है? नित, पता नहीं मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। नी, मुझे लगता है एडिटर तुम्हें लाइक करते हैं। नित हंसते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता। देन नित जाकर रूम से मिलती है। डिनर के टाइम सारनाथ और पावी नित के घर फूड और फ्रूट्स बेचते हैं, पर रूम वो सब यूज करने से मना कर देती है और सब कुछ बाहर फेंकने की कहती है। नित कहती है ये हम यूज नहीं करेंगे, पर बाहर फेंकने से अच्छा है कि हम ये फूड कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स के बच्चों को दे दें। रूम, ये सही रहेगा। नित, तुम कितनी अच्छी हो, इसी वजह से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। नेक्स्ट डे पेन बैन के साथ पावी को बताए बिना उसकी मॉम से मिलने जाती है। घर पर सबसे पहले वो नी से मिलती है। बैन, यही है पेन तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस। पेन, अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं कभी किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनती क्योंकि इससे हमारी डिग्निटी कम होती है। नी उनसे कुछ नहीं कहती, बस खड़ी खड़ी उनकी सुनती रहती है। फिर पेन कहती है मैं यहाँ पावी की मॉम से मिलने आई हूँ। नी, वो अभी रेस्ट कर रही है। पेन, मैं उनका यहीं रुक कर वेट करूंगी। नी, पर मुझे नहीं पता वो कब तक जागेंगी। बेन, ये घर पेन का है, वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रुक सकती है। नी, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस ये कह रही थी कि तुम दोनों यहाँ रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। आंट का पता नहीं है वो कब तक जागेंगी। पेन, तुम अच्छा बनने का नाटक बंद करो। तुम मेरे डैड की मिस्ट्रेस बनी जिससे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सके और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली टूट गई। पेन के चिल्लाने की वजह से रोंग जाग जाती है। पेन और बैन दोनों मिलकर नी की इंसल्ट करने लगी थी, तभी वहाँ रूंग आती है। पेन और बैन रूंग को देखते ही अच्छा बनने का नाटक करने लगती हैं। रूंग पूछती है तुम चिल्ला क्यों रही थी? बैन, नहीं हम चिल्ला नहीं रहे थे, हम तो एक दूसरे से मिल रहे थे। बैन बताती है ये पेन है पावी की गर्लफ्रेंड। रूंग, पावी की गर्लफ्रेंड भी है, उसने तो मुझे कभी नहीं बताया। बैन, शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि पावी आपको सरप्राइज देना चाहता होगा। रूंग, तुम बहुत बोलती हो, अच्छा हुआ तो पावी ने तुम्हें पसंद नहीं किया। फिर पेन रूंग से अच्छे से बात करती है। रूंग को पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पेन, एक्चुअली मैं आपसे तभी मिलने आना चाहती थी जब आप हॉस्पिटल में थी, पर मुझे डर लगता था कि ये सही नहीं रहेगा। रूंग, इसलिए क्योंकि मैं पागल थी? पेन, नहीं ऐसा नहीं है। रूंग, झूठ मत बोलो, मैं पागल थी इसलिए तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना। और इसी के साथ एपिसोड 6 एंड होता है।